मुझे बहुत मज़ा आया इस म्यूज़ियम में आके, शाहरुख खान सर से मिलके, सलमान खान सर से मिलके। और बताएं भाई आप कैसे हो? ये है मेरे सलमान खान भाई। अब मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने हमें धोखा दिया, ईद वाले दिन वो मिले नहीं मुझसे। Hey everyone, your boy Gopal Musafir welcomes you back to the channel. आप सभी लोगों को पता है कि मैं ईद करने मुंबई गया था, और ईद मुंबई करने का रीज़न मेरा ये था, मैं स्पेशली शाहरुख खान सर से मिलने गया था, क्योंकि हर ईद पे वो घर से बाहर आते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनके फैंस होते हैं, उन सबको वो विश करते हैं, लेकिन मेरी शाहरुख खान सर से वहाँ पे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन इस बार नहीं मैं छोड़ने वाला उनको। मैंने सुना है कि वो यहाँ पे कोलकाता में एक म्यूज़ियम में आए हुए हैं, और मैं वहाँ पे जाके उनसे मुलाकात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि ऐसा उन्होंने हमारे साथ क्यों किया। जोक्स अपार्ट, कोलकाता में एक वैक्स म्यूज़ियम है जहाँ पर जितने भी सुपरस्टार्स हैं, इंडिया के जितने भी सुपरस्टार हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिशियन, सबके वैक्स बने हुए वहाँ पे, और वैक्स आपको पता है बिल्कुल रियल दिखते हैं। एटलीस्ट वहाँ पे नहीं मिले तो यहाँ पे मैं फील तो ले सकता हूँ, उनसे दो चार बातें करूँगा कि वहाँ पे क्यों नहीं मिले। तो चलिए वीडियो की करते शुरुआत, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि मैं गफ्फार मुसाफिर हूँ, दुनिया घूम रहा हूँ। अगर आप लोगों को अभी दुनिया देखनी है तो कुछ नहीं करना है, रेड बटन को ब्लैक करना है, सब्सक्राइब करके और फेसबुक पे फॉलो करना है। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। ये बिल्कुल सामने है जी हमारे मदर्स वैक्स म्यूजियम, यहाँ पे ही सारे वैक्स से हम अंदर एंट्री करेंगे, सब आपको टिकट वगैरह बताएंगे परचेज करके कि कितने की टिकट वगैरह मिलती है। आपको अगर यहाँ पे आना है सिंपली आप बस से आ सकते हो, 10-15 रुपीज़ किराया दे के आप कोलकाता में हो तो बस से आ सकते हो, टैक्सी से भी आ सकते हो, किसी तरीके से भी आप आना चाहे तो आप आ सकते हो। ये है जी एंट्री गेट, उस साइड से भी एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री है। ये है कोलकाता स्ट्रीट फूड, अगर आप यहाँ से एंट्री करते हो तो यहाँ पे साइड पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप कोलकाता स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हो। फ़िलहाल मैं बिल्कुल सामने हूँ मदर्स वैक्स म्यूज़ियम। अच्छी बात मेरे लिए ये है कि यहाँ पर शोर शराबा उतना नहीं है, तो अंदर जाएँगे देखेंगे। ये जनाब मैंने कर लिया एंट्री, मज़ा आ रहा है। मैं फर्स्ट टाइम किसी वैक्स म्यूजियम में जा रहा हूँ, मदर्स वैक्स म्यूजियम। बैग आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। टिकट कहाँ से मिलेगा? सिक्स फ्लोर से। ये है जी हमारी लिफ्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, आई लव यू सर। ये हूँ मैं लिफ्ट में, 6th फ्लोर पे जाके आपको टिकट मिलेगी, पर मुझे ये टोकन मिला, मैंने अपना बैग है जो वहाँ पे सबमिट कर दिया, बैग्स आपको ऊपर नहीं ले जाने देंगे। 6th फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और ये है सामने टिकट काउंटर। आप यहाँ पे गूगल पे भी कर सकते हो, वैसे मैंने कैश लाया था। ये रहा जी आपका टिकट प्राइस 250 का आपको। सो ये फाइनली जनाब हो रही है मेरी एंट्री, अंदर जाते हैं। हाँ, अंदर एंट्री करते ही आपको द फादर ऑफ नेशन, ये है हमारे द फादर ऑफ नेशन। आप सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने इंडिया की आज़ादी में सबसे बड़ा रोल है जो गांधी जी का था। तो ये बिल्कुल गांधी जी तो बिल्कुल वही लग रहे हैं यार इस बैग्स में तो बिल्कुल, बिल्कुल गांधी जी ही लग रहे हैं। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, 30 जनवरी 1948 में इनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद है यार ये तो बिल्कुल रियल लग रहे हैं। हाय सर, अरे यार इनको अगर मुझे नंबर देने हों तो 10/10। इनका तो आपको पता ही होना चाहिए, इंडियन नेशनलिस्ट थे ये, फिलोसोफर भी थे, योगी भी थे, गुरु भी थे और पोइट भी थे। 15 अगस्त में इनका जन्म हुआ था, 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था और दिसंबर 1950 में इनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट है हमारे पास स्वामी विवेकानंदा, इंडियन मॉन्क थे ये, सबको पता है। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1902 में इनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद ये मदर टेरेसा, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी है जो गरीबों के नाम, बेसहारों के नाम कर दी थी। ये एक्चुअल में इंडिया से नहीं थे, ये अल्बेनियन इंडियन है, अल्बेनिया में इनका जन्म हुआ था और यहाँ पे कोलकाता में इनका इंतकाल हुआ था। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में और 5 सितम्बर 1997 में इनका इंतकाल हो गया था। इनको कौन नहीं जानता, लेकिन ये लगते नहीं हैं जैसे हैं, बिल्कुल भी वैसे नहीं लगते।
लेकिन मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ये साथ साथ बंदों को देख रहा हूँ, कभी सोचता हूँ रियल है लेकिन रियल नहीं है। ये तो आप जानते ही हो, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रहे और साइंटिस्ट भी रहे, मिसाइल मैन भी इनको बोला जाता है। अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ था और 27 जुलाई 2015 में इनका इंतकाल हो गया था। आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके ऊपर हम चल रहे हैं आज, वो ये इंसान है, इन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ये हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनका इंतकाल हो गया था। ये जो बाबा जी आपको दिख रहे हैं, ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये हैं नोबल विनिंग पॉइंट, मींस इन्होंने नोबल प्राइज़ जीता हुआ है शायरी में। 1861 में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनका इंतकाल हो गया था। अब हम एंट्री कर रहे हैं जी क्रिकेट जोन में, और इस जोन में सारे के सारे आपको फेमस क्रिकेटर्स दिखेंगे। सबसे पहले हैं हमारे पास, ये हैं कपिल देव। 6 जनवरी 1959 में इनका जन्म हुआ था और अभी तक ये ज़िंदा है। उसके बाद कौन नहीं जानता इनको, गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको माना जाता है, लेकिन वो पूरे के पूरे वैसे दिख नहीं रहे हैं। ये हैं सचिन तेंदुलकर। चलो इनका जन्म तो लिखा हुआ वही बता देते हैं, 1973 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन सचिन तेंदुलकर की शक्ल तो नहीं लग रही है। उसके बाद ये दादा छक्के मारा करते थे, 1972 में इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद ये इनको कौन नहीं जानता है। हेलो विराट भाई, उधर नहीं मिले थे, यहाँ तो मिल गए ना। 1988 में इनका जन्म हुआ था। और अभी उसके बाद नेक्स्ट जून देखते हैं क्या जून है। उसके बाद इनको कौन नहीं जानता, ये दोनों आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी इनके गानों को सुना जाता है। तो ये हैं हमारे पास किशोर कुमार। 1929 में इनका जन्म हुआ था और 1987 में इनका इंतकाल हो गया था। आज तो ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी इनके सॉन्ग सुने जाते हैं, आज भी इनको याद किया जाता है। और ये हैं लता मंगेशकर जी। ये भी इंडियन प्लेबैक सिंगर थी। 1929 में इनका जन्म हुआ था और 2022 में इनका इंतकाल हो गया था। अब मैं आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने हमें धोखा दिया, ईद वाले दिन वो मिले नहीं मुझसे। तो ये है वो हमारे भाई जो ईद वाले दिन हमें मिले नहीं थे, कहीं बाहर थे शूटिंग में। अच्छा भाई सब बताएं क्या मसला था यार, ईद पे आपको घर आना चाहिए था। सारे मेरे मुँह की तरफ देख, ईद पे आपको घर आना चाहिए था, हम आप लोगों का वेट करते रहे, इतनी देर हम चलाते रहे, लेकिन आप आए नहीं बाहर। गलत बात नहीं है, अगली बार कभी भी आए ईद के दिन आपने कभी भी शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाना है, वरना हम आप लोगों से नाराज़ हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये है हमारे शाहरुख खान भाई, इंडियन बॉलीवुड स्टार। इनका 1965 में इनका जन्म हुआ था, इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार। फिर उसी के साथ जो टक्कर में आते हैं, जो इनके साथ फाइट करते, ये सलमान खान। थोड़े लग रहे हैं लेकिन शाहरुख खान, हाँ सलमान खान है। हाँ सलमान, चुलबुल पांडे, सलमान खान ही है ना। चुलबुल पांडे इनका नाम है एक मूवी में। चुलबुल पांडे का कैरेक्टर कौन है? और बताएं भाई आप कैसे हो? ये है मेरे सलमान खान भाई, इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। दोनों हूँ, सलमान खान सर का और शाहरुख खान सर। अगर आप मुझे बोलेंगे दोनों में से किसको वोट करना है, बोलूँगा आधा मुझे आप काट लें, तो आधा बोलूँगा शाहरुख खान सर को वो काट लें। दोनों मेरे फेवरेट हैं। और ये भी ईद पे नहीं मिले थे आप, मुझे लगता है ये बाहर आएंगे, डर गए मुझे लग रहा है उस लड़के की धमकी से, क्या नाम है उसका, बिश्नोई की धमकी से, तो ये बाहर नहीं आएंगे। अब ये मैडम है जी हमारे पास, एंजेलिना जोली। हमेशा आपने नाम सुना होगा, एंजेलिना जोली बहुत फेमस रहती हैं, और आपको पता ही होगा ये अमेरिकन एक्ट्रेस और फिल्म मेकर हैं। ये हैं जी एंजेलिना जोली। फिर उसके बाद ये आपको सामने जो बंदा दिख रहा है, बहुत ही फेमस डांसर भी, सिंगर भी, सॉन्ग राइटर भी, ये है माइकल जैक्सन। और बताऊँ मैं अगर आपको, तो ये साथ में है अमिताभ बच्चन सर, और साथ में यहाँ पे कोलकाता के दादा भी हैं, मिथुन चक्रवर्ती। बहुत मज़ा आया मुझे ये वैक्स म्यूजियम देख के। अरे यार ये तो बिल्कुल रियल लग रहे हैं। ये हैं हमारे मिस्टर बीन, एक ब्रिटिश सिटकॉन टेलीविजन प्रोग्राम है, कॉमेडी की वीडियोस बनाते रहते हैं ब्रिटिश के, ये पूरे के पूरे बिल्कुल सेम लग रहे हैं।
तो फाइनल हो गया शूट जी इस मदर्स वैक्स म्यूजियम का। आप पूरे रियल रियल लग रहे थे और बहुत मज़ा आया मुझे देख के। अभी बाहर का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ इस वैक्स म्यूजियम के। अगर मैं टॉप 6 फ्लोर पे ही हूँ, टॉप के 6 फ्लोर पे ही हूँ मैं, तो ये सामने जो आपको लेक वगैरह दिख रहा है ये इको पार्क का ही एरिया है, उसी के बीच में आता है ये लेक वगैरह। इसमें स्विमिंग वगैरह भी होती है, ये सब कुछ। अभी मैं टॉप से दिखा रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया इस म्यूज़ियम में आके, शाहरुख खान सर से मिलके, सलमान खान सर से मिलके, अमिताभ बच्चन सर से मिलके और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ मिलके। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, भर दीजिए, बताइए। अगर अच्छा लगा तो मैं और वीडियोस अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए लाऊंगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भूलिएगा मत, दोनों के लिंक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान, फैमिली वालों का ध्यान, आस पड़ोस वालों का ध्यान, सबका ध्यान रखें।